पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, कन कन में, मन मन में, हर तन में राम, बोलो जय सिया राम। न्यूज 18 का प्रणाम सिया राम गीत है। मेरे साथ कई सारे साधु संत बैठे हैं, उन्हीं से सबसे पहले जान लेते हैं। पहले आपसे आपको उनको मिला देता हूं, फिर उनसे पूछता हूं कि उन्हें ये गीत कैसा लगा। आर्य संत वरुण दास जी मेरे बगल में यही बैठे हैं, और फिर आचार्य विनयानंद जी बैठे हैं, नमस्कार, और उधर देवेशाचार्य जी महाराज हनुमानगढ़ी के बैठे हैं, और आचार्य रविशंकर शास्त्री जी हनुमानगढ़ी के बैठे हैं, आपको भी नमस्ते। और सबसे पहले और सबसे वहाँ कॉर्नर पे आचार्य विवेकानंद जी बैठे हैं। कथा व्यास में आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ये गीत आपको कैसा लगा? हमें ये गीत बहुत ही प्यारा लगा, और कण कण में, क्षण क्षण में, हर पल में राम, तो राम की व्यापकता का ये गीत है। राम जी जिस तरह से सर्वव्यापक हैं, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म ही राम है और राम ही धर्म है, तो इसलिए गीत हमें बहुत प्यारा लगा। हाँ, राम राम रामेति, राम रामेति रामेति, रामे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम, राम राम वरानने। देखिए कैसा खेल उठा सबका चेहरा, है ना, राम का नाम लेते ही बजरंग बली के भक्त भी खुश हो गए। हाँ शास्त्री जी, बिल्कुल सहज सी बात है, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी के अनन्य सेवक हैं, और राम रसायन तुम रहो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। बगैर राम जी के हनुमान जी का तो कुछ है ही नहीं है। जिस तरह से, ठीक उसी तरीके से आज ये जीवन व्यर्थ है बगैर राम के। तो सबसे निवेदन रहेगा, इस भजन को सुने और इसका अनुसरण भी करें, और अयोध्या भी आए, सबका स्वागत है अयोध्या में। जी हाँ, स्वागत गान कर रहे भक्त हनुमान, ये भी इस गीत के बोल है। अक्षत गुप्ता जी ने इसको लिखा है। एक बात बताइए, ये क्या सही है, कहा जाता है कि राम लला ने, और या राम ने, प्रभु श्री राम ने राजा अयोध्या का हनुमान जी को बनाया था, ये कथा क्या है? ये तब की बात है जब परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार माता सरयू के माध्यम से धाम को जा रहे थे, और उस समय पर श्री हनुमान जी को यहाँ का राज्य सौंप कर सबको लेकर साथ चले गए, और उसी के बाद से अयोध्या का यह महत्व है कि श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए, तो पूरी अयोध्या का दर्शन पूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर हनुमान जी का दर्शन नहीं, स्वयं राम जी का भी दर्शन आपने कर लिया, तो अयोध्या दर्शन आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे, होत नाज्ञा बिन पैसारे, अर्थात भगवान पहले हनुमान जी का दर्शन करिए, उसके उपरांत सबका आप दर्शन करिए। जी आर्य संत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं राम तो काल्पनिक है, तो क्या बजरंग बली भी काल्पनिक है? अगर जो ऐसा कहता है, बजरंग बली की गदा सबसे पहले उस पर पड़ेगी, क्योंकि बजरंग बली चतुर्युग है, चारों युग में है। यावत राम कथा लोगे चरिष्यसी मही तले, जब तक परमात्मा की कथा है और परमात्मा के पताका को फहराने वाले भी बजरंग बली है। तो बजरंग बली आपने देखा होगा कि जो राम जन्मभूमि जाने से परहेज करते थे, वो अभी बजरंग बली के दरबार में आते थे। बजरंग बली के गदा से सब डरते हैं। बजरंग बली की कल्पना कहने वाले बहुत कम है, और ऐसा कोई कहता है तो उससे बड़ा मंदमति और मूढ़मति कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। पर श्री अयोध्या का भी कायापलट हुई, आपको लगता है इससे जनमानस और अयोध्या नगरी में भी जिस तरह से पुनर्वास हुआ है, फिर से सजा है अयोध्या? जी निश्चित रूप से, मैं दो लाइन भजनों का आश्रय लूंगा और फिर मैं आपको पूर्ण विस्तार से मैं बताऊंगा। जी राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुलसी तुलसी क्या सब कहे, तुलसी बन की घास हो, 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 तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास कृपा भये, रघुनाथ की बन गए तुलसी दास। निश्चित रूप से आनंद जी मैं कहना चाहूंगा कि अद्भुत
अलौकिक अद्वितीय जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। त्रेतायुग को तो हम सबने देखा नहीं, पर वर्तमान समय की उस परिदृश्य को हम सभी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पूरी दुनिया साक्षी है और साक्षी बन रही है। बस बहुत ही कम समय रह गया है जब हम सभी भगवान राम लला के उस प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन करेंगे। दुनिया पलके बिछाए खड़ी है राम राज्य की प्रतीक्षा में। जी, राम राज्य की कल्पना क्या है, राम राज्य क्या है और राम राज्य की भूमिका क्या है, इसका इसकी परिभाषा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपने इतने प्यारे सुर छेड़े हैं तो यहाँ पर एक चौक है जो कि भारत की सर कोकिला को समर्पण है। 40 फुट लंबा एक वीणा वहां स्वागत करता है जो भी हनुमानगढ़ी की तरफ आता है या राम की पहाड़ी की तरफ आता है। सपना शुक्ला इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ रही है। उस सुंदर वीणा के सामने आप सेल्फी खींच रही हैं या कोई और खबर भी हमारे साथ लेकर आई हैं सपना? मैं एक चौपाई के साथ आनंद शुरुआत करना चाहूंगी। बंधनवार पताका केतु सब ही बनाए मंगल हेतु, यानी कि जब राम जी लौट कर आ रहे थे सबने बंधनवार लगाए, सबने मंगल गीत गाए। आज अयोध्या बिल्कुल इसी स्वरूप में है। आपने वीणा की बात की तो जरा दिखा दूं अभी, क्योंकि तस्वीरें बड़ी खूबसूरत आ पा रही हैं। ये देखिए वीणा लगा हुआ है। मैं आज से 4-5 साल पहले भी यहाँ पर आई हूँ आनंद माफ कीजिएगा, पहले मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी कि लोग यहाँ रुके, यहाँ तस्वीर खींचे। आप जरा घूम के किशन यहाँ की भी तस्वीर दिखा दीजिए। ये सूर्य स्तंभ इस भक्ति पथ की शोभा बढ़ा रहे हैं। पहले यहाँ कोई नहीं इस कदर आकर तस्वीर लिया करता था, लेकिन आप देखिए जहाँ जाइए वहां लोगों के हाथों में ये सेल्फी दिखाई देती है। और इधर लगे ये पोस्टर्स, ये बार बार ये याद दिलाते हैं कि सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन कभी किसी ने अयोध्या को इन नजरों से नहीं देखा। शायद नजरों में सिर्फ राजनीति रही हो, हीन भावना रही हो, उनको यहाँ वो नहीं दिखाई दिया जो मौजूदा सत्ता को दिखाई दिया। अब चाहे आप उसे राजनीति के लिहाज से देख लीजिए या भक्ति के लिहाज से देख लीजिए, मौजूदा मुख्यमंत्री पीठाधीश्वर भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और दोनों ही कुर्सियों पर रहते हुए वो अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। जब बात मुख्यमंत्री की होती है तो बात विकास की वो करने लगते हैं, शासन की करने लगते हैं, अनुशासन की करते हैं, लेकिन जब बात पीठाधीश्वर की होती है तब वो बात अयोध्या की। आपने महंत आदित्यनाथ जी की बात कही तो वो गोरखनाथ मठ के महंत तो हैं, बजरंगबली के भक्त भी हैं, तो जिन पर गदा चलनी है वो गदा भी चला रहे हैं और जिन पर अनुकंपा होनी चाहिए वो अनुकंपा भी हो रही है। अयोध्या नगरी पुनः सज रही है। पर मैं आपसे फिर उधर से ही शुरू करते हैं। मैं कभी आपने एक सोचा था आपके जीवन काल में आप ये दृश्य देखेंगे कि राम की पौड़ी पर सरयू मैया के पीछे यहां देखिए कितना सुंदर शीतल बढ़िया ये घाट हो गया है, कभी आपको लगा था ऐसा होगा? आपने अपने छुटपन में तो जब डुबकी लगाई होगी तब पता सोचा होगा कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा। जी निश्चित रूप से ये अविस्मरणीय क्षण है और न भूतो न भविष्यति। इसका हम केवल मैं ही नहीं बल्कि अयोध्या का कोई वासी इतनी जल्दी ये कार्य सुंदर ढंग से हो जाएगा इसकी परिकल्पना भी नहीं किया था। और आज वो कल्पना साकार हो रही है। जैसे कहते हैं एक प्यारा सा भाव है कि स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, बन के बालक सलोना अवध भूप का, मेरे नयनों में अपवर्ग सुख छा गया। छा गया क्या तो बात? ये जो अनुपम क्षण है ये वही कल्पना कर रहा है कि राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सबसो का, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा। ये वही परिकल्पना है, राम राज्य की परिकल्पना मानो आज हम लोगों के सामने जीवंत हो रही है। हम लोग अयोध्या वासी नहीं, संपूर्ण विश्व गौरव कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बजरंगबली तो यहाँ के महाराज नियुक्त हुए थे, तो क्या बजरंगबली ने अयोध्या को छोड़ दिया था? वो तो चिरंजीवी है। अयोध्या नगरी इतने दिन इतने वर्ष अंधकार में क्यों थी? नहीं, ये किसने आपसे कहा कि अयोध्या नगरी अंधकार में थी? ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अगर अयोध्या नगरी अंधकार में होती तो आज ये जो आप देख रहे हैं रौनक, ये जो जनजागृति आप देख रहे हैं आप पाते नहीं। और रही बात अयोध्या हनुमान जी महाराज राजा थे, हैं, रहेंगे, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण होगा जब भी अयोध्या पे कोई भी विपदा आई तो हनुमान जी महाराज ने ही, चाहे वो हनुमानगढ़ी का सामने का चौराहा हो, राम मंदिर के तट की बात हो जब आतंकवादियों ने हमला किया, या रेलवे स्टेशन की घटना हो, हर बार हनुमान जी महाराज ने ही रक्षा किया है। जी मैं बस वापस लौटता हूँ, मुझे बस अमित सिंह के पास जाना होगा क्योंकि महंत आदित्यनाथ यानी जिन्हें हम योगी जी के नाम से जानते हैं,
वो अयोध्या नगरी में है, निरीक्षण कर रहे हैं कि तैयारियां सब ठीक है कि नहीं 22 तारीख के लिए। उनके दादा गुरु का ये स्वप्न था जिसे जो अब वो अपने कार्यकाल में साकार होता हुआ देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, रामलला विराजमान पुनः हो रहे हैं वहां पर। अमित सिंह बताइए कहाँ है महाराज? देखिए मैं तस्वीर दिखाता हूँ आनंद आपको, और तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाएंगे किस तरीके से राममय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष बैंड की व्यवस्था की है 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए, और ये जो बैंड आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस की बैंड है। ये धर्म पथ पर इस वक्त हम हैं आनंद, और ये तस्वीरें देखिए, और यहाँ देखिए पीएससी के जवान सात में स्टार, और ये लुत्फ वो लोग वो वीवीआईपी उठा पाएंगे जो 22 जनवरी के दिन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। तस्वीरें हम बैंड की आपको लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, और ये देखिए, और जो बैंड का जो धुन है हनुमान चालीसा का है, पर है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो गजपति के भक्त है वो आज अयोध्या में है, और वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं इस वक्त। लॉ एंड ऑर्डर और खड़े है, वो राम धुन बजा रहे हैं, राम आएंगे। अब आपके ऊपर चैलेंज है कि आप इनसे न्यूज 18 का प्रणाम सिया राम राम धुन भी बजवाइए। कितना भव्य दृश्य है, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, कभी आपने परिकल्पना की थी, सोचा था कि इस तरह से सज जाएगी अयोध्या, इस तरह से तैयार हो जाएगी पूरी दुनिया को यहाँ पर, राम भक्तों को, बजरंगबली के भक्तों को यहाँ पर उनको वेलकम करने के लिए इस तरह से तैयार हो जाएगी? जी बिल्कुल, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि थी, संपूर्ण विश्व को अयोध्या आना तो सहज ही बात है। रही बात परिकल्पना की, जो आज विकास हमें दिख रहा है, तो मैं तो अपने लिए नहीं कह सकता कि परिकल्पना किया रहा होगा, लेकिन हाँ, हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने इतने दिन तक अयोध्या राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने जरूर परिकल्पना किया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है शब्द ब्रह्म होता है। हमारे पूर्वज परिकल्पना किए, किसी कारणवश वो नहीं पूर्ण हो पाया, नहीं साकार हो पाया, आज वो साकार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को श्रेय जाता है, उन राम भक्तों को जाता है जिन्होंने संघर्ष किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है इस अयोध्या के विकास के लिए, राम लला के लिए, तो बिल्कुल हमारे पूर्व ने साकार किया होगा। देखिए गर्भगृह से एक और तस्वीर आई है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आंखों पर पट्टी लगी है। राम लला अभी तक सबको नहीं देख सकते क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, लेकिन राम लला की वो मूर्ति इतनी भव्य है, इतनी सुंदर है कि उनका चेहरा कितना मासूम, कितना सुंदर होगा, यही देखकर हम भाव विभोर हो गए। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है, वहां उसी जगह जहां पर रामलला विराजमान होने हैं, वहां पर उस मूर्ति को, विग्रह को रख दिया गया है। अब इस पर मंत्रोच्चारण के साथ साथ पूजा की विधियां शुरू होंगी, और फिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ वहां उनको दैवत्व से भर दिया जाएगा इस मूर्ति को, और फिर वहीं पर रामलला विराजमान होंगे। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। अरुण बताइए, इतना सुंदर दृश्य है, रामलला के छोटे से दृश्य को देखकर, उनके श्याम रंग को देखकर भाव विभोर हो गए थे दो दिन पहले, आज इस तस्वीर को देखकर तो और खुश हो गए। देखिए आनंद, वैसे कहा जाता है हमारे शास्त्रों में है कि भक्ति जो है वो भाव से होती है, लेकिन उत्सव में तो दिखाना पड़ता है कि प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम कैसे लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए महाराज जी है, यथार्थ गीता 1,00,000 प्रतियां बांट रहे हैं ये, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आरती हो रही है, प्रभु श्री राम की भी आरती हो रही है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी पुष्प वर्षा की जा रही है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग विजुअल है। सबसे पहले मैं जरा आपको दिखा दूं, ये जो यथार्थ गीता है, आप कितनी प्रतियां बांट रहे हैं और इसका मकसद क्या है? 1,00,000 यथार्थ गीता निःशुल्क वितरण में कर रहा हूँ रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में, और ये जो उत्सव है, जो ऐतिहासिक जो पल है, 500 वर्षों का जो ऐतिहासिक जो महोत्सव चल रहा है, उससे खुशी में उसके अवसर शुभ अवसर पर मैं 1,00,000 यथार्थ गीता विश्व के 30 भाषाओं में मैं इसको निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ। 1,00,000 यथार्थ गीता जिनके पास जाएगा, अगर वो पढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ बदल सकता है हिंदुस्तान में। श्रीमद् भगवद गीता के वो हम सब जानते हैं, उसमें कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि राम और कृष्ण दोनों ने धर्म की स्थापना जरूर की, पर दोनों के तरीके विपरीत थे, अलग थे, पर दोनों धार्मिक कैसे हुए और धर्म के संस्थापक कैसे हुए आर्य संत जी? देखिए दोनों के युग काल में भेद है और दोनों के स्वरूप में भी भेद है।
भेद यह है दोनों परमात्मा परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो राम और कृष्ण ये 16 कलाओं से परिपूर्ण परमात्मा है, लेकिन राम जी के जीवन में मर्यादा प्रधान था। हाँ। राम जी के जीवन त्रेताकालीन था और त्रेताकालीन त्रेता से जब द्वापर तक हम आ रहे हैं तो आते आते छीण हो रहा है, जो लोगों की मानसिकताएं छीण हो रही, लोगों की मानसिकता बिगड़ रही चली जा रही है। तो उस काल में जब भगवान श्री कृष्ण आए तब तक काफी कुछ गोलमाल हो चुका था। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए तो भगवान ने कहा कि यहाँ मर्यादा नहीं, यहाँ लीला ज्यादा कार्य करेगा, इसलिए राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, लीलाधर कहा जाता है। लीलाधर कृष्ण भगवान के, इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि कृष्ण भगवान के चरित्र का श्रवण करना चाहिए और राम के चरित्र का अनुगमन करना चाहिए, अनुगामी होना चाहिए, उसके उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए।